और लद्दाख में यूटी मिल के 4 साल होने को है और अभी भी गेजेटेड पोस्ट का कुछ अता पता नहीं है लद्दाख। अब देखो नौबत क्यों आई, नौबत इसीलिए आई कि जब यूटी बनाए ना, ये यूटी हमारे लिए नाम का था, उसका कुछ भी नहीं था हमारे लिए। हम लोग आपको लेजिस्लेशन नहीं देने जा रहे हैं। चंडीगढ़ वाला यूटी जहां आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उसके नीचे आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो और वही चला है। जमहूरियत कहां आपको नजर आ रहा है? कहते हैं हमने पैसा दिया, सही बात है पैसा दिया, उसको कोई वो नहीं है। 6,000 हर साल देता आया, 3 साल में 18,000 दिया, लेकिन पैसा खर्च कौन कर रहा? पैसा खर्च कर रहा ब्यूरोक्रेट्स। किसके जरिए कर रहा? ब्यूरोक्रेट्स के ही जरिए। लोगों का एस्पिरेशन कहीं नजर आ रहा है? नहीं। लोगों का पार्टिसिपेशन कहीं नजर आ रहा है? नहीं। कहीं आपको डेमोक्रेसी वहां उसमें झलकता है? नहीं। तो हमारा मांग था यूटी विद लेजिस्लेचर, हमेशा क्वालिफाई किया है ऑन द लाइन्स ऑफ पौंडीचेरी, जहां आपका लेजिस्लेचर हो, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, वो लोग आवाम को अकाउंटेबल हो, जहां उनमें से कोई देखो यहां तक चीज है। वहां पर हमने बहुत किया, वहां पर नहीं कैसे नहीं है। अब ये तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट वहां हुआ, सेकंड और थर्ड इंशाल्लाह हम दिल्ली जंतर में सुन, हम नेक्स्ट मंथ वहां भी होंगे, आपको वहां से भी हमें ये देखने को मिलेगा। सेम ये आपको पैम्पलेट मिलेंगे, सेम चीज़ आपको वहां भी मिलेंगे जिस तरह के हमें यहां मिला। अब देखो नौबत क्यों आई, नौबत इसीलिए आई कि जब से यूटी बनाए ना, ये यूटी हमारे लिए नाम का था, उसमें कुछ भी नहीं था हमारे लिए, कुछ भी नहीं था। यूटी दे ठीक है, यूटी बनने के बाद मान लो लंगड़ा था, ये मान लो चलिए लंगड़ा यूटी था, कुछ भी फायदा नहीं था इसमें, क्या फायदा था हमें बताओ? ना यूथ का बला हुआ है, ना कौंसल का बला हुआ है, ना किसी आदमी का बला, ना हमारी ज्योग्राफिकल, किसका बला हुआ है? जब यूटी दिया छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ कर रखा है, कुछ भी वहां पर नहीं हुआ है। और क्या आप जाके देख लो, हाँ बेशक कुछ वहां पर रोड, हाँ ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, क्या रोड बना के देखो ना, हम लोग बेरोजगार 4 साल से एक जगह फॉर्म नहीं भरा है, भरा था ना पिछले साल, आप यहाँ जाके एसएससी में अप्लाई करना था, कहाँ है डोमिसाइल? अब डोमिसाइल का प्रॉब्लम है। यहाँ यूनिवर्सिटी में भाई आपके लिए सीट रिजर्व नहीं है, यहाँ नर्सिंग वाला भाई आपके लिए यहाँ भी नहीं है, कहाँ कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने, तब हम आके मजबूर आज रोड पे प्रोटेस्ट कर स्टूडेंट्स। और हमें के लोग जो है पहले तो मैं जवाब देता हूँ आपका, जो पहले आपने कहा जो बात कहा था, कहने में कुछ नहीं आता, कहने में तो हमें 12,000-13,000 जॉब का वादा किया। अब देखो पॉलिटिशियन भाई यहाँ ही बोलता है, 2 मिनट के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, कि कहना तीन ही का काम है, जो कह के इस पर काम करते हैं वही इंसान अच्छा होता है, यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं है। कहना ही कहा था उन्होंने सही था, ये सब कुछ हम देंगे, हर जगह हमारे लिए प्रॉब्लम है, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे हमारे जॉब में, हर जगह। आज आपके साथ वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं? हाँ सारे लोग, ये मेरे साथ हमारे लह के हमारे स्टूडेंट को, मैं कारगिल से बिलोंग करता हूँ, हम दोनों एक हो क्या है, इतनी खुशकस्मत है हिस्ट्री में पहली बार हम लद्दाख के पूरे सारे लोग एक हो के हम इस जम्मू में आए, बस कस्मत ही देखो किस लिए आए, अपने हक को मांगने लेकिन आपके लिए रोड पे आ रही है, हमारी यूटी का हालत है। मैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लद्दाख एसोसिएशन एलिविया की सेक्रेटरी हूँ और ये बहुत बदकिस्मत की बात है कि हम लद्दाख में 2-3 बार प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे आके भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये बहुत दुखी की बात है कि हमें हमारे खुद हक के लिए हर जगह आवाज उठाने पड़ती है और लद्दाख में यूटी मिल के 4 साल होने को है और अभी भी गेजेटेड पोस्ट का कुछ अता पता नहीं है लद्दाख में। खाली में हमारा नॉन गेजेटेड पोस्ट जो एसएससी ने कंडक्ट किया था उसमें भी बहुत सारे परेशानियां लद्दाख की स्टूडेंट को बहुत झेलना पड़ रहा है। ये बहुत दुखी की बात है और हमारे ये रिक्रूटमेंट बोर्ड भी मतलब ठीक से नहीं है हमारे लद्दाख में, तो हम हमारे लद्दाख जो एसएससी हुआ उसमें भी जो रिजल्ट आया हुआ है जो वो जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट है उसमें भी बाहर के लोग का उनका भी नाम है, तो हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है सर। डिमांड क्या है आपकी आज? हमारा डिमांड से कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का सेफ गार्ड हमें मिलना चाहिए और हमें लैंड का भी सेफ गार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लद्दाख में है बहुत मतलब अगर बाहर के लोग आएंगे तो हमारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, वो बहुत खत्म होने की चांसेस है, तो बहुत मतलब हर तरह की सेफ गार्ड्स के लिए हम यहाँ पे आवाज उठाने के लिए आया है सर।